नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं रोलो के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। जीतन राम मांझी जो उनकी लगातार अपना बयान से सुर्खी में रहे, वो एक बार और अपना बयान ऐसा बयान दे पड़े जौना से महागठबंधन फिर एक बार सत्ते में आगे बढ़ुए और दूसरा तरफ एनडीए में काफी खुशी बढ़ुए। खुशी हो का है ना, जीतन राम मांझी सीधे सीधे 30 सीट पर अपन दावेदारी पेश के लिए बढ़े और एकरा के लेके प्रेस वार्ता भी कैले है। बात स्पष्ट रूप से ना करके वो गोल गोल बात करते हुए वो पूरी तरह से या तो कहीं के दबाव के राजनीति करता रहे या फिर वो यह बात के लेकर के पूरी तरह निश्चिंत बढ़े कि वो 20 सीट पर लोकसभा के चुनाव अपना पार्टी की तरफ से लड़ी और प्रत्याशी उतरी है। पत्रकार वार्ता करके जे बात कहले हा वो देखी रामजी प्रसाद के रिपोर्ट में कि जीतन राम मांझी का कहत रहे। अब तो ये भी कर सकते हैं कि कांग्रेस है, रालोसपा है और लोग हैं, उन लोगों से एक चीज़ ज़्यादा चाहिए। वो राजद तो भाई मेन है, राजद के बारे में हम नहीं कर सकते, कांग्रेस से अधिक चाहिए। हाँ चाहिए, उनका क्या आधार यहाँ रहा है? 27 नवंबर जीते हैं लेकिन आधार क्या है? उनसे ज़्यादा हमने मदद किया है राजद को, यही हमारे लोगों का कहना है, जिला अध्यक्षों का आज कहना है। ये हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, इसको जरा आप लोग समझ करके बात करें। नहीं, हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं। ये आज प्रस्ताव पारित करके जिला अध्यक्षों ने 31 जिला अध्यक्षों ने प्रस्ताव पारित करके एक कहा है आपसे बोलने के लिए। अब रही बात हमारी बात कब होगी, जब नेशनल इंस्टीट्यूट की बैठक में इसको इंडोर्स करते हैं तब हमारी बात। आप मानते हैं ना कि हमको हम 20 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हैं? हम तो पहले से कहा कि 20 सीट में हमारी तैयारी चल रही है। अगर मान लीजिए आप अकेले चुनाव लड़ते हैं तो किसी के साथ गठबंधन करेंगे? अब वो 18 तारीख को हम कहें, मतलब ऐसा ऑप्शन खुला हुआ है? ऑप्शन तो कहा कि हर महागठबंधन से जब आप अलग जाएंगे तो फिर एनडीए ही बचेगा। अलग जाने का बात नहीं है, अलग जाने की क्या बात है, साथ भी रहकर तो लड़ सकते हैं। आज वहाँ उत्तर प्रदेश में लोग लड़ गए तो एनडीए के साथ चले गए क्या? वहाँ भी तो है ना, हम लोगों का एक मंशा है किसी भी परिस्थिति में एनडीए को केंद्र में आने नहीं देना है। उसके लिए हम लोग सब लड़ेंगे और फायदे के लिए लड़ेंगे। हो सकता है कुछ लोग जानबूझ करके हारने के लिए सीट ले लें तो फिर उनकी बात नहीं ना हम लोग मानेंगे। हम लोग अपने ढंग से लड़ करके चुनाव जीतेंगे और महागठबंधन को मजबूत करेंगे। सर फ्रेंडली मैच भी होगा क्या? अब अच्छा वो तो आप लोग कह रहे हैं, कोई दूसरा लोग नहीं कह रहा है जी। नहीं नहीं नहीं, वो सब गलत बात है। वो तो जब अपने गए हैं पता नहीं कहाँ जाना है बेचारे को, तो इसलिए उनको लग रहा होगा। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी बात ठीक है कि जब अब महागठबंधन एक अपना चरम पर अभी जा रहा है समीकरण के दृष्टिकोण से, तो हम चाहेंगे कि उसका लाभ हमारी पार्टी को मिले। तो इस रूप में अगर मान लीजिए कि कांग्रेस चाहती है कि हाँ हमको 20 सीट मिले तो उनकी बात है, वो उनको वोट करने को स्वतंत्र है। इसे हम उनको ये नहीं कर सकते हैं, जो कहना होगा हम लोग बैठक में तय करेंगे कि किनको कितना चाहिए। आए और आ करके अपने मुखार बिंदु से यही कहा, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिमलत जिसका नेतृत्व जीतन राम मांझी कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, हम उनके साथ हैं। कोई एक दो आदमी इधर उधर गए हैं जिसमें हम लोग को किसी प्रकार की कोई आस्था नहीं है, हम उनके साथ नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सिमलत के साथ। तो ये हुआ। दूसरी बात, कुछ राजनीतिक दिशा निर्देश भी इन लोगों ने दिया, जिस प्रकार से कोर कमेटी में भी लोगों ने कहा था और उसकी चर्चा आप लोगों के बीच में उन्होंने किया था। क्योंकि हम तो भाई सीधा आदमी है, आज के ज़माना में कहिए कि बुद्धू आदमी है, जो कभी भी किसी भी बात को हम छिपा के नहीं रखते हैं। तो उस समय भी लोगों ने हमको कहा था कि ये क्या कहता है लोग कि आपको एक सीट मिलेगा, एक सीट मिलेगा, ये सभी कार्यकर्ता में एक तरह से असंतोष हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहिए? हम उन लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए, उन लोगों ने कहा कि किसी भी सूरत में जो महागठबंधन के घटक दल हैं उन सबसे पहले आप आए हैं, उनके गुरुवत के समय में आए हैं, जिस समय लालू जी को किसी साथी की आवश्यकता थी उस समय आपने साथ दिया और साथ का परिणाम हुआ कि दो विधानसभा सीट और एक तो और हुआ जो कि आज का 3 विधानसभा सीट और एक लोकसभा सीट में 2 विधानसभा सीट जीत गए और एक पार्लियामेंट
सीट जीत गए, ये एकदम सक्षम लाभ आपने दिया। अब उसके बाद दूसरे लोग अब आ रहे हैं, कोई कुछ बोलते थे, कोई कहीं थे, कहीं बार ये नहीं कर रहे थे, जब वहाँ से रास्ता बंद हो गई, दरवाज़ा बंद हो गई, तो वो आ गए महागठबंधन में। अब वो कोई कहते हैं कि हमको 5 सीट मिलेगा, सब इन लोगों का कहना है चुनाव लड़ने की एकदम तैयारी कर लीजिए, हम लोग सब साथ हैं, यही प्रभारियों ने और यही जिला अध्यक्षों ने कहा। कितने सीट पर तैयारी की? वो 20 सीट का पहले कह रहा था, 20 सीट पर हम लड़े। और ये भी है कि 20 सीट पर जिस पर हम तैयारी कर रहे थे, अब बहुत लोगों ने कहा जीतन मांझी की पार्टी खत्म हो गई, सिंबल नहीं मिला। आप लोगों को बता दूँ कि 20 जिला में हमने मांगा था सिंबल टेलीफोन, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा हमको मिल गया है। तो हमारी तैयारी भी है 20 कंस्टिट्यूंसी में, 20 जिला में हमको टेलीफोन छाप का सिंबल मिल भी गया है इलेक्शन कमीशन से। तो अगर नहीं सामान्य जनक सीट और सम्मानजनक वही कि जो हमारे हैं यहाँ पर घटक दल, उनसे अगर 1 सीट ज़्यादा नहीं प्राप्त होने की स्थिति में हम लोग 200 सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा हमारे लोगों ने आज हमको मैंडेट दिया है। अब रही बात कि इसको अमली जमा बनाने के लिए 18 को हम बात करने वाले हैं कि नेशनल जो हमारे एग्जीक्यूटिव है उससे, उसी भी बैठक यहाँ बुला रहे हैं, उस दिन एकदम फाइनल हम लोग कर देंगे कि हम लोग कितना सीट पर लड़ने जा रहे हैं। लड़ें गठबंधन में अभी इस समय तो हम यही कह सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव को बहुत आदरपूर्वक करना चाहते हैं, अभी के परिस्थिति में उनको इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे रहे, जबकि समूचा हिंदुस्तान NDA से खफा है, गरीब तबके के लोग कराई कराई मांग कर रहा है, कहाँ महंगाई बढ़ रही है, और उसके बाद सिर्फ अब जब चुनाव का कुछ दिन रह गया है तो लगता है कि बस हिंदुस्तान को आकाश में पहुंचा देंगे, ऐसी पूरी घोषणाएँ हो रही है। तो वैसी परिस्थिति में जो मैत्रियों हैं उनको आदर करते हैं मुलायम सिंह यादव को, इस प्रकार की बात उनको नहीं करनी चाहिए, तो मेरा व्यक्तिगत प्रिय है। इससे पहले जब आप इससे ज़्यादा सीट आपको मिलना चाहिए, तो इस लाइन पर हम उस दिन भी कहा था आपको कि जो भी महागठबंधन में नए घटक दल आए हैं उनको जितना भी सीट अनुमान किया जाएगा उससे 1 सीट ज़्यादा ही हम मांगेंगे, यही हमारा क्लेम है। अब ये हम नहीं कर सकते हैं कि किनको कितना क्या मिलना है, ये अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि हम भी महागठबंधन के जो कोर कमेटी है या जो बैठकें होती है उसमें हम भी रहेंगे, तो इसलिए वो चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर होगी किसी भी महागठबंधन के जो घटक हैं उनके बराबर ही नहीं उनसे ज़्यादा हम मांगते हैं सीट, ये हम कहना चाहते हैं। तो उस कोर कमेटी की बैठक में और शेड्यूल कास्ट वाला बैठक में हुआ, आज भी यही हुआ, आज भी जो सभी जिला अध्यक्ष के लोग हैं उन लोगों ने भी डट कर यही कहा कि किसी भी सूरत में जो लोग घटक दल के हैं महागठबंधन के उससे कम सीट लेने का सवाल नहीं, उनसे 1 सीट ज़्यादा पर हम लोग करें। और ये प्रश्न भी आप लोग पूछिएगा कि भाई अगर ना मिलेगा तो क्या करें, तो इसमें भी आज हमारे लोग बोले हैं, हम समझते हैं कि रणनीति के तहत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर हम अपने जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार बोल देते हैं। हमारे लोगों का कहना है कि आप शुरू से कह रहे थे कि 20 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, और अगर उस प्रकार की बात नहीं हुई तो आप उन सभी सीटों पर भी लड़ने की तैयारी आप कर दीजिए, हम लोग सब साथ हैं, ये जिला अध्यक्षों ने हमसे कहा। तो कहा उन लोगों ने कहा है, अब उस पर विचार करेंगे, उसके लिए फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 तारीख को हम बुला रहे हैं, उस बैठक में भी हम लोग लेंगे आदेश कि क्या करना है। तो अभी सिर्फ यही है कि आज इन लोगों ने कहा कि अगर घटक दल के लोगों से 1 सीट ज़्यादा आपको नहीं मिले तो आप जितना, प्रमुख बातें ये है आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हाल में दिल्ली में अम्बेडकर केंद्र में अम्बेडकर भवन में हमारे नेशनल काउंसिल की बैठक हुई, और नेशनल काउंसिल की बैठक में प्रस्ताव आया था कि सारे जिला समिति सारे प्रदेश समिति सबको भंग कर करके नए ढंग से उसको आप मनोनयन कीजिए, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया था। तो जब वो प्रस्ताव है और ये प्रस्ताव ले लिया गया था
तो फिर वो कहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे और कहाँ कौन प्रवक्ता था, कहाँ कोई क्या था, कुछ नहीं था। अभी ऐसे ही हम लोग चल रहे थे, चला रहे थे। अब 18 तारीख के बाद बजावता उसका हम मनोनयन करेंगे। आपने कहवा दिया कि 3 मार्च के जो यहाँ सम्मेलन होने वाला है उसमें अगर प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। कहाँ किसने कह दिया आपको, कौन खड़ा किया था? प्रवक्ता का मतलब तो वो हर तरह से कसम खाते हैं और कहते हैं कि हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। हमको आप बता दीजिए कि अगर ऐसा कहा है तो हम उसके लिए भी आपसे माफी मांगेंगे, हमने वैसा कभी नहीं कहा। हाँ, रैली के बारे में हमने कहा था तो आपने हमसे पूछा, तुरंत ही हमने माफ़ी मांगा कि सर हमसे भूल गए। लेकिन उसके बाद भी हम कहा कि जो भूल हो गई लेकिन आप इतनी भारी गलती की है वो गलती क्षम्य नहीं है, इसलिए आपको अब हम अपने साथ रखने में कहीं ना कहीं लाचार। रजिंदर मांझी जी, एक बात बताइए, आप तेजस्वी से आपकी बातचीत क्या इसके लिए, तेजस्वी से आप बातचीत करना नहीं महत्वपूर्ण मानते क्या? क्या बोल रहे हैं कि हम लालू यादव से बातचीत करेंगे इस मामले पर? प्रायः यही होता है, तेजस्वी से बातें हुई है, कल भी टेलीफोन से बात की थी और आज भी एक बैठक होने वाली थी, हम 10:30 में नहीं गए कोई कारण से। तो तेजस्वी जी या और घटक दल के लोग हैं, बात तो करेंगे, बात तो होती है, लेकिन अभी भी है, जब तक लालू यादव हैं चाहे कहीं भी रहें उनको हम लोग सर्वोपरि मानते हैं, इसलिए उनसे निश्चित रूप में अपने हर तरह के जो शिकायत है, कमी बेसी है, हम लोग करते हैं और करेंगे। कब मुलाकात होनी है लालू यादव? इधर तो विगत तो लगता 15-20 दिन हो गया, लेकिन लगता है 23 तारीख को हम उनसे मिले। इसके बाद मुलाकात तो ऐसी होने का नहीं हो सकती, तो उसके बाद इधर मुलाकात हो सकेगी। सर 3 तारीख को सीट शेयर कर रहे हैं, 3 तारीख को सीट शेयर कर रहे हैं, 3 मार्च को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो पहले ही कहा प्रधानमंत्री के जान सीट शेयर कर रहे हैं ना? अगर अंग्रेजी शब्द है भाई उतना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सुना है कि ये अफसर्ड है। इस प्रकार की बात करके कि आप अपमानित करते हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं कोई बात नहीं है। अगर कोई कहता है तो मेरा दोस्त नहीं, वो मेरा दुश्मन। बीजेपी आपको लाना है, लेने में कोई परहेज नहीं चाह रहा? बीजेपी परहेज नहीं कर रहे, बीजेपी नहीं चाह रहे परहेज, जो परहेज कर रहे हैं उसके साथ थे, उसको मौका दिया। जो 3 दिन हमारी मांग थी कि भाई जुडिशियरी में आरक्षण लागू करवा दीजिए, हमने कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण दिलवा दीजिए, हमने कहा था कि समान शिक्षा वकालत करते थे अम्बेडकर साहब और लोहिया जी की, राष्ट्रपति का बेटा या फर्नी का संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये आप 3 काम कर दीजिए, शेड्यूल कास्ट के लोग आपका एक तरह से सब दिन के लिए वोटर हो जाएगा। ये हमने कहा था नरेंद्र भाई मोदी जी से, ये 3ों में कोई काम 4 वर्षों तक 3 वर्षों तक नहीं हुआ, तो फिर हम अलग हो गए उनसे। 3 तारीख को अगर वो कर दे रहे हैं 3ों काम, बहुत सा काम वो करने की स्थिति में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। अब तो जैसन के रुआ सुनने कि जीतन राम मांझी का नाम बड़ू है कि वो अब केहू पर आरोप प्रत्यारोप ना करी है, वो सीधा सीधा देख रहा है कि प्रखंड स्तर से लेकर के राज्य स्तर से आयल उनकर प्रतिनिधि और पदाधिकारी 20 सीट पर तैयारी के लिए बढ़े और 20 सीट पर वो अपन लड़े खातिर हर तरह से तैयार बढ़े। अगर महागठबंधन में बात ना बनल, उनका सम्मानजनक सीट ना मिलल, तो 20 सीट पर वो अपन दावेदारी ठोक सकेले। जुड़ा इस समय न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, फिर कोनो खबर लेकर हाजिर होगा, तब तक खाती गोर लगा दनी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।